आज हम बनाएंगे बिल्कुल खास तरीके से ये खीर, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मावा, बिना कोई झंझट, सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनेगी ये खीर। और फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा मलाईदार बनती है ना कि आप इसके दीवाने ही हो जाएंगे मेरी तरह। इसके लिए सबसे पहले छन्नी में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी कि मुट्ठी भर चावल। तो यहाँ पे मैं रेगुलर कोलम वाले चावल यूज कर रही हूँ। इसको सबसे पहले हम धो लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार, ताकि इसकी जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह गंदगी वो निकल जाए। इसके लिए मैंने छन्नी में लिया है क्योंकि थोड़े से ही चावल हैं। अच्छा, यहाँ पे कोलम चावल क्या होता है ना, जल्दी से पक जाते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं, पर अगर आपको चाहिए तो आप बासमती चावल या फिर टुकड़ा चावल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने धो लिया, अब इसको पूरा पानी निकाल देंगे। और इसको अच्छे से छानने के बाद इसके ऊपर मैं इसको ऐसे पोंछ रही हूँ। आप चाहें तो इसको कपड़े के ऊपर बिछा के भी पंखे के नीचे थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्या है ना, चावल की क्वांटिटी बहुत कम है तो मैं ऐसे कपड़े से ही इसको पोंछ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, टिश्यू से मत पोछिएगा वरना पूरा टिश्यू चिपक चिपक जाएगा उस पर टुकड़ों में। तो इसको अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि वो थोड़े से सूखे हो जाए। ये देखिए, हल्के से सूख गए। तो अब इसको हमें ट्रांसफर करना है छोटे से ब्लेंडर में। पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, हमको सूखे चावल का ही पाउडर बनाना है। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको पीसना कैसे। इसको आपको पीसना है पल्स मोड में। ये देखिए, पल्स मोड ऐसा होता है मिक्सी में, पल्स मोड में डालिए, वापस ऑफ कीजिए, पल्स मोड में डालिए, वापस ऑफ कीजिए। ऐसे करीबन 3 से 4 बार आपको करना है, तो ही आपका जो पाउडर एकदम परफेक्ट होगा। तो मैंने इसको कर लिया। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं चावल का टेक्स्चर। जो टेक्स्चर है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में, तो ही आपकी खीर परफेक्ट बनेगी। इसमें ये देखिए, थोड़े थोड़े से अखे चावल हैं, थोड़े से पिसे हुए हैं और थोड़े से टुकड़ा चावल है। बस यही टेक्स्चर हमको चाहिए एकदम परफेक्ट और क्रीमी खीर के लिए। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, एक प्रेशर कुकर में सबसे पहले गर्म करेंगे 1 टेबल स्पून घी। बस इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना है। और इसमें हम डाल देंगे चावल जो कि हमने थोड़े दरदरे पीस के रखे थे, और इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, घी में सबसे पहले चावलों को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही उसमें वो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा घी का। और फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ना, इतनी फास्ट बन जाती है, स्पेशली प्रेशर कुकर में, तो कोई झंझट नहीं सोचने का कि बनाएं कि नहीं बनाएं। जल्दी से आप कुकर में इसको 10 मिनट में बना सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से कोटिंग आ गई इसमें घी की, थोड़े से सौटे हो गए। तो अब इसमें देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। इससे क्या होगा, चावल जल्दी से उबल जाएंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध अभी के लिए। बहुत ज़्यादा दूध हम अब इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि वो प्रेशर कुकर से बाहर आ सकता है। और मिक्स कर लेंगे, और अब इसको लिड से कवर करके इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकने देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटी बजने तक के। ठीक है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना फिर से खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको लिड हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए, चावल अच्छे से पक गए हैं, लेकिन इसका टेक्सचर देखिए, थोड़े थोड़े से अखे अखे जैसे मुझे चाहिए, थोड़े से पिसे हुए, थोड़े से चावल के दाने दिख रहे हैं। बस यही परफेक्ट टेक्सचर है। इसको आप चाहें तो मंदिरे से या फिर ये पैक ऑफ द स्पून से इसको थोड़ा थोड़ा इसे मैश कर लेंगे। तो हल्का सा मैश कर लीजिए, उसको अलग अलग कर लीजिए। इसमें आप आगे ही दूध डाल सकते हैं अगर आपका प्रेशर कुकर बड़ा है तो। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए बड़ी सी कढ़ाई। इसको सबसे पहले हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए पूरे खीर में और दूध भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध, करीबन 1 लीटर। तो टोटल मैंने दूध यूज़ किया था 1 लीटर, और इसी 1 लीटर में से मैंने 1 कप डाला था प्रेशर कुकर में। और अभी दूध में अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप, मैंने बताया प्रेशर कुकर में ही बना रहे हैं ना, तो यही उबला हुआ दूध आप उस पर डाल सकते हैं डायरेक्टली प्रेशर कुकर में, और यही रेसिपी आगे फॉलो कर सकते हैं खुले में। तो फ्रेंड्स, दूध यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी घर पे अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं कि आपको फुल फैट दूध ही यूज़ करना है, लो फैट भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊँगी इसको एक्स्ट्रा क्रीमी बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया, इसको और थोड़ा सा करने देंगे ताकि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो इसी वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, इससे बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसमें और पकने देंगे इसको, तो इसको लो फ्लेम पे फ्रेंड्स छोड़ दीजिए। तब तक मैं आपको आगे की तैयारी बताती हूँ। अच्छा, जो कुकर में हमने चावल बॉईल किए थे ना फ्रेंड्स, उसमें से मैंने क्या किया है ना, कुछ 3 से 4 टेबलस्पून चावल मैंने इस छोटे ब्लेंडर में ट्रांसफर करके रखा है। इसका क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वो चावल तो हमने साइड में रख दिए, और बाकी जो भी चावल बचे हैं कुकर में उसको हल्का हल्का मैश करके इस दूध के अंदर डालते जाएंगे। तो पूरे सारे चावल डाल दीजिए और फिर इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाएंगे।
और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें लम्स आ रहे हैं तो उसको ब्रेक करते जाइए ऐसे स्पैटुला से, या फिर आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो मंदेड़ा भी लगा सकते हैं। तब इसको अच्छा सा उबलने देंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। उससे क्या होगा, चावल अच्छे से रस बस जाएंगे दूध में और दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब तक ये हो रहा है इसको पीछे गैस में आप छोड़ सकते हैं लो फ्लेम पे, क्योंकि इसको गाढ़ा होने में थोड़ा और समय लगेगा। जब तक मैं क्या कर रही हूँ, एक पैन में मैंने लिया 1 टेबल स्पून घी, इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैं डाल रही थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, चारोली, पिस्ता, और इन सारे नट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जैसे से खुशबू आ जाए, कच्चापन नहीं रहे उसमें, क्योंकि फ्रेंड्स रोस्ट करके डालने से क्या होता है उनका क्रंच बढ़ जाता है और टेस्ट भी एक्स्ट्रा आता है। तो बस इसको हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया। आप चाहें तो यहीं पे थोड़े से छुआरे, डेट्स, किशमिश वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये हो गए, इसको साइड में रख देंगे, और बीच बीच में फ्रेंड्स दूध चेक करते रहिएगा, अगर दूध गाढ़ा हो रहा है और साइड में कोई भी मलाई जम रही है तो उसको आप स्क्रैच करते जाइए। अच्छा फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट तैयारी हमको करनी है ना, वो ये है कि पैन में यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप शक्कर, और इसको मैंने डाला है 2 टेबलस्पून पानी, और इसका कैरमल बनाएंगे। नॉर्मली हम शक्कर को जो पिघलाते हैं बस वही, इसको अच्छे से पिघलने देंगे। तो सबसे पहले शक्कर को अच्छे से पिघलने दीजिए, पूरी जब शक्कर पिघल जाएगी ना उसके बाद उसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी शक्कर घुल गई है, तब धीरे धीरे पैन को स्वर्ल करते रहिए और इसमें अच्छा सा कलर ला सकते हैं, जितना डार्क या लाइट कलर आपको चाहिए। लेकिन कैरमल का जो परफेक्ट कलर होता है ना वह मैं आपको दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा अगर आप डार्क कर देंगे ना तो बिटर हो जाएगा, मतलब कड़वा हो जाएगा और उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप चाहते तो डायरेक्टली शक्कर को खीर में भी डाल सकते थे, लेकिन ऐसे कैरमल बना के अगर आप डालेंगे ना तो उसका टेस्ट दुगना ही हो जाता है, और शक्कर की मिठास भी आ जाती है और प्यारा सा कलर भी आ जाता है खीर में। ये देखिए कैरमल का कलर, अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ, इस कलर तक के मैंने इसको रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जब कैरमल बन जाएगा ना तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, और इसकी कुकिंग बंद करने के लिए यहाँ पे हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। तो शुरू में ऐसा उबलेगा लेकिन घबराइएगा नहीं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो ये कैरमल सिरप हमको आगे डालने में आसानी होगी। ये देखिए बढ़िया सा कैरमल का सिरप भी रेडी हो गया। चलिए दूध चेक करते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं दूध कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया है, कलर भी थोड़ा सा बदल गया है केसर की वजह से। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ जो मिक्सी में मैंने चावल डाल के रखे थे ना, उसको मैंने पीस लिया और उसका ऐसे प्यूरे जैसा कर लिया, और वो प्यूरे अब इसमें हम डालेंगे। तो पहले जो चावल वो थोड़े खड़े खड़े थे, मुंह में आते हैं, और ये जो है ना प्यूरे, मतलब इसको डालने के बाद ना आपको मिल्क पाउडर, खोया, मिल्क मेड, मावा किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा क्रीमी आपकी खीर बनेगी, ऐसा लगेगा कि आपने फुल फैट मिल्क से बनाई हो। इसको डालने के बाद भी इसको मिक्स करते जाएंगे और कड़ाते जाएंगे जब तक ये पूरे चावल उसमें रस बस ना जाए, आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा। और अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि गाँठें बन रही है तो आप बीच में विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से सब घुल मिल गया है, तो इस स्टेज में मैं डाल दूंगी कैरमल जो कि हमने प्रिपेयर किया था, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, तो इससे मिठास भी आ जाएगी और कैरमल का बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा। और मान लीजिए इसको डालने के बाद भी अगर आपको शक्कर कम लगती है ना तो आप 3 से 4 टेबलस्पून और शक्कर इसमें डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करके कड़ाएंगे, तो जैसे जैसे फ्रेंड्स आप कड़ाते जाएंगे ना इसका कलर थोड़ा सा और गहरा होता जाएगा कैरमल की वजह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर और जो फ्राइड नट्स हमने करके रखे थे वो, और इसको भी मिक्स करेंगे। अच्छा इस स्टेज में आपको चाहिए तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा रोज वाटर, केवड़ा वाटर, ये सब भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और इसको फिर से मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 और मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा फ्रेंड्स हमको नहीं करना है, क्योंकि चावल की खीर है ना वो सेट भी हो जाती है बाद में ठंडा होने के बाद, तो उसके हिसाब से आप पहले से ही पकाइएगा। तो मैं आपको अभी इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, देखिए कितनी गाढ़ी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी इस वक्त नहीं है, लेकिन ये सेट होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, और इसको आप ठंडा गर्म कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दिया था पंखे के नीचे 3 से 4 घंटों के लिए ढक के। तो ये देखिए अब आप फ्रेंड्स इसका कलर देख सकते हैं, क्या तो कलर है, ऊपर कैरमल की मोटी सी मलाई जमी है, मैं आपको मलाई निकाल के दिखाती हूँ। सुपर, देख सकते हैं आप इसको, ऐसे अगर आप उंगली से चाट के खाएंगे ना तो बस आप तो मुझे याद करते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ वाकई में अच्छे लगते हैं ना देखने के लिए,
तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और इसका टेक्सचर देखिए, और अब मैं आपको इस मिट्टी के बर्तन में सर्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका टेक्सचर पता चल सके आफ्टर सेटिंग।